तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ बबाय। आज मैं एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ करूँगा। उसके पहले आपको पेंसिल्स को जो है आपको शार्प कर लेना है, और उसके बाद हमें आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर में हम आइवरी पेपर यूज़ करते हैं। इसमें जो टेक्सचर है उसका काफ़ी टेक्सचर स्मूथ होता है। इसमें रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनता है, और इसमें से हमको काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी वाइट भी है ये पेपर, और इसमें ड्रॉ करने में काफ़ी इजी होता है। ब्लेंडिंग करने में काफ़ी आसानी से ब्लेंडिंग हो जाता है। एक आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए आप 2B पेंसिल या HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी लाइट पेंसिल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी इसका आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत मेरा आउटलाइन बन चुका है, और इसे हम धीरे धीरे शेडिंग करेंगे। जहाँ मेरा डार्क एरिया है वहाँ पे आप प्रेशर का अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट। फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्क लाइन है, तो हम इसे 6B पेंसिल से हम यहाँ पे डार्क लाइन दे देंगे। और जहाँ जहाँ मेरा डार्क लाइन है वहाँ पे हम 6B का यूज़ करके लाइन हम डार्क कर देंगे। और आई बॉल के लिए हम 10B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ साइड में उसके बाद हम 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्क है, और यहाँ पे मुझे 10B पेंसिल का यूज़ करना पड़ रहा है। चलिए हम लोअर पार्ट को अच्छे से शेडिंग कर लेते हैं। लाइट एरिया के लिए हम HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथ तो हम शेडिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट, आप देख पा रहे हैं हमने हल्के हाथों से चारों तरफ इसका शेडिंग कर दिया है। इसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे हल्के हाथों से। अब फ्रेंड्स, हल्के हाथों से हमने इसको ब्लेंडिंग कर लिया है। उसके बाद हम जहाँ जहाँ मेरा हाईलाइट एरिया है आप देखेंगे, तो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग हम जहाँ जहाँ हाईलाइट एरिया है वहाँ पे हम टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ कर रहे हैं, यानी आप जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट जेल पेन। तो यहाँ पे मैं पहले टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करूँगा, उसके बाद वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हाईलाइट एरिया को टॉम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद हम आईलेसेस को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आईलेसेस को हमको काफ़ी बारीकी से ड्रॉ करना पड़ेगा। आईलेसेस ड्रॉ करने के लिए हम 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, मैंने आईलेसेस कंप्लीट कर लिया है, आईलेसेस मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं जो आईबॉल जो है तो इसको और ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा ताकि हाइपर रियलिस्टिक का लुक आ सके। यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ व्हाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आज को कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लुक आ रहा है, ये हाइपर रियलिस्टिक लुक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डार्क एरिया है उसको मैंने ऑब्जर्व किया पहले। उसके बाद मैंने लाइटली एरिया को लाइटली सेट किया, उसके बाद हल्के हाथों से मैंने सेटिंग किया।